तो दोस्तों आज हम राजस्थान हाईकोर्ट LDC के लिए 60 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, इसलिए वीडियो में अपन तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमिलित युग्म कौन सा है। तो आपको याद रखना है सही सुमिलित युग्म है माही और चंबल नदी। ठीक है, माही और चंबल नदी है जो माही नदी को कांठल की गंगा और चंबल नदी को कामधेनु कहा जाता है। तो इसमें दो प्रश्न बन गए हैं। ठीक है, और यह प्रश्न राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2013 में आया हुआ है। तो आपको याद रखना है कि कांठल की गंगा माही नदी को कहते हैं और कामधेनु है जो चंबल नदी को कहते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। तो सुमिलित करना है तो उसमें लूणी नदी है जिसकी सहायक नदी है जवाई। ठीक है, लूणी नदी की सहायक नदी कौन सी है तो जवाई है, और माही नदी की है सोम। ठीक है, माही नदी की सहायक नदी कौन सी है, सोम नदी है जो माही नदी की सहायक है। और साबरमती की बात करें तो साबरमती नदी की सहायक नदी है वाकल। ठीक है, और लास्ट नदी है कालीसिंध और इसकी सहायक नदी है परवन। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है। तो कौन सा युग्म सही नहीं है तो आपको याद रखना है बनास सागी। ठीक है, बनास नदी की सहायक नदी सागी नहीं है, बाकी कालीसिंध की सहायक नदी निवाज है, माही नदी की चाप और साबरमती की वाकल, ये तीनों सही है और बनास नदी की सहायक नदी सागी नहीं है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा बनास नदी। सागी नदी है जो लूणी नदी की सहायक है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि सागी नदी है किसकी सहायक है तो लूणी नदी की है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती हैं। तो आपको याद रखना है यह कहलाती है बाणगंगा नदी। ठीक है, बाणगंगा नदी है जो रुंडित सरिता कहलाती है। कौन सी नदी, बाणगंगा नदी, और यह सेकंड ग्रेड परीक्षा 2016 में आया हुआ है प्रश्न। अगला सवाल है कि वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं, तो वह नदी कौन सी है। तो आपको याद रखना है वह नदी है माही नदी। ठीक है, माही नदी वह नदी है जो दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। कौन सी नदी है तो आपको याद रखना है माही नदी है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है या खारे पानी की झील नहीं है। तो आपको याद रखना है वह झील है कोलायत। ठीक है, कोलायत झील है जो खारे पानी की झील नहीं है, बाकी ये डीडवाना और पचपदरा और कावो झील है, ये तीनों झील खारे पानी की है, लेकिन कोलायत झील है जो खारे पानी की झील नहीं है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर वाला। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी नहीं है। तो आपको याद रखना है वह नदी है सागी नदी। सागी नदी है जो अंतःप्रवाही नदी नहीं है। अगला सवाल है कि सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी है। तो आपको याद रखना है वह है कांतली नदी। कांतली नदी है जो सांबर झील में नहीं गिरती हैं। ठीक है, सांबर झील में कौन सी नदी नहीं गिरती है तो कांतली नदी। बाकी मेढा, खंडेल और रूपनगढ़, ये तीनों नदियां हैं जो सांबर झील में गिरती है, लेकिन कांतली नदी है जो सांबर झील में नहीं गिरती है, जिसलिए आपका उत्तर हो जाएगा दूसरे वाला। अगला सवाल है कि निम्न में से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती हैं। तो आपको याद रखना है वह जिला है झालावाड़। ठीक है, झालावाड़ वह जिला है जिससे चंबल नदी नहीं गुजरती हैं। तो आपको याद रखना है झालावाड़ है जिससे चंबल नदी नहीं गुजरती हैं। अगला सवाल है कि अजमेर की अन्ना सागर झील में किस नदी का पानी आता है। अजमेर की अन्ना सागर झील में किस नदी का पानी आता है। तो आपको याद रखना है यह आता है बांडी नदी का। ठीक है, बांडी नदी का पानी है जो अन्ना सागर झील में आता है। अगला सवाल है कि बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। तो आपको याद रखना है वह नदी है उक्त में से कोई नहीं। ठीक है, कोई नदी इसमें से कोई नदी नहीं है जो बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी है। अगला सवाल है कि राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है। तो आपको याद रखना है वह निर्मित है पिछोला झील पर। ठीक है, राजस्थान की प्रसिद्ध झील है पिछोला झील जिस पर नटनी का चबूतरा निर्मित है। अगला सवाल है कि किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है वह नदी है माही नदी। ठीक है, माही नदी को वागड़ व कांठल की गंगा भी कहा जाता है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील
नहीं है। तो आपको याद रखना है वह झील है कायलाना झील जो जोधपुर में है, और यह झील है जो खारे पानी की झील नहीं है। बाकी सांबर, पचपदरा और लूण करणसर ये तीनों झीलें हैं जो खारे पानी की है, लेकिन कायलाना झील है जो खारे पानी की झील नहीं है। इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा तीसरा। अगला सवाल है कि राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ पर होता है। तो आपको याद रखना है यह होता है उक्त सभी में, ठीक है, सांबर झील, लूण करणसर और डीडवाना, ये तीनों झीलों में नमक का उत्पादन होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील उदयपुर में नहीं है। तो आपको याद रखना है वह झील है राजसमंद झील, ठीक है, राजसमंद झील वह झील है जो उदयपुर में नहीं है, ठीक है, उदयपुर में नहीं झील है, नहीं है, कौन सी झील, राजसमंद, ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो बनास नदी की सहायक नहीं है। तो आपको याद रखना है वह नदी है बांडी नदी, ठीक है, बांडी नदी है जो बनास नदी की सहायक नदी नहीं है, कौन सी नदी, बांडी नदी। अगला सवाल है कि हाल ही में राजस्थान के किस ज़िले में नर्मदा नदी का पानी नहर में लाया गया। तो आपको याद रखना है यह लाया गया है जालौर ज़िले में, ठीक है, जालौर ज़िले में नर्मदा नदी का पानी लाया गया है, किस ज़िले में, तो जालौर ज़िले में। अगला सवाल है कि चंबल, बेतवा, कैन किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो आपको याद रखना है यह सहायक नदियाँ हैं यमुना की, ठीक है, यमुना की सहायक नदी की बात करें तो चंबल, बेतवा और कैन हैं जो यमुना की सहायक नदियाँ हैं। अगला सवाल है कि माही नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र किस ज़िले में है। तो आपको याद रखना है वह ज़िला है बांसवाड़ा ज़िला, ठीक है, बांसवाड़ा वह ज़िला है जो माही नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र है, कौन सा, बांसवाड़ा क्षेत्र या बांसवाड़ा ज़िला। अगला सवाल है कि राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्व में प्रवाहित होने वाली नदियों या नदियां किस नदी के माध्यम से अपना जल बंगाल की खाड़ी तक ले जाती हैं। तो आपको याद रखना है वह नदी है यमुना, ठीक है, यमुना वह नदी है जिसके माध्यम से अपना जल बंगाल की खाड़ी तक ले जाती हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान में प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियों का उद्गम कहाँ से होता है। तो आपको याद रखना है इनका उद्गम होता है उक्त एक एवं दो दोनों, ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला से होता है और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से भी होता है। किस नदी का, तो आपको याद रखना है अधिकांश नदी का, सॉरी अधिकांश नदी का उद्गम कहाँ से होता है, विंध्याचल पर्वत और अरावली पर्वत श्रृंखला से, ठीक है। अगला सवाल है कि अधिकांश मानव सभ्यताओं का नदियों के किनारे पनपने का क्या कारण था। तो आपको याद रखना है इसका कारण था उक्त सभी, वहाँ नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी का होना, पानी की उपलब्धता, नदियों का परिवहन के मार्ग के रूप में प्रयोग, ठीक है, इन तीनों के कारण अधिकांश मानव सभ्यता का नदियों के किनारे ही पनपी, ठीक है, अधिकांश जो मानव सभ्यता थी जो नदियों के किनारे ही बसी थी, ठीक है, और इनका कारण ये तीनों हैं। अगला देखते हैं, तो आपका अगला सवाल है कि ज्वाई नदी पर ज्वाई बांध किस स्थान पर बना हुआ है। तो आपको याद रखना है यह बना हुआ है सुमेरपुर पाली में, ठीक है, सुमेरपुर पाली में ज्वाई बांध बना हुआ है, और यह किस नदी पर है, तो आपको याद रखना है ज्वाई नदी पर है। अगला सवाल है कि राज्य में मिट्टी का अवनालिका अपरदन किस नदी से सर्वाधिक होता है। तो आपको याद रखना है यह सर्वाधिक अपरदन होता है चंबल नदी से, ठीक है, चंबल नदी से सर्वाधिक अपरदन होता है, अवनालिका अपरदन होता है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी नदी अजमेर ज़िले में प्रवाहित नहीं होती है। तो आपको याद रखना है वह नदी है साबी नदी, ठीक है, साबी नदी वह नदी है जो अजमेर ज़िले में प्रवाहित नहीं होती है। अगला सवाल है कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर एवं किस ज़िले में है। तो आपको याद रखना है चूलिया जलप्रपात है चंबल नदी पर और यह है चित्तौड़गढ़ में, ठीक है, चंबल नदी पर स्थित चित्तौड़गढ़ में है कौन सा जलप्रपात। तो आपको याद रखना है चूलिया जलप्रपात स्थित है कहाँ पर, चंबल नदी पर और चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला सवाल है कि किस संभाग में सर्वाधिक नदियाँ हैं। तो आपको याद रखना है वह संभाग है कोटा संभाग, ठीक है, कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियाँ स्थित हैं, ठीक है, किस संभाग में, तो कोटा संभाग में। अगला सवाल है कि राजस्थान के किन दो ज़िलों में कोई भी नदी नहीं है। तो वह दो ज़िले कौन से हैं, चूरू व बीकानेर, ठीक है, चूरू व बीकानेर वह दो ज़िले हैं जहाँ पर कोई भी नदियाँ नहीं हैं। अगला सवाल है
कि इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती हैं। तो आपको याद रखना है अरब सागर में गिरने वाली नदी है माही नदी, ठीक है। माही वह नदी है जो अरब सागर में गिरती हैं। अगला सवाल है कि आयड नदी किस नाम से जानी जाती है। तो आपको याद रखना है यह जानी जाती है बेड़च नदी के नाम से, सॉरी बेड़च नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी? तो आपको याद रखना है आयड नदी। अगला सवाल है कि खंबात की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी कौन सी है। तो आपको याद रखना है वह नदी है माही नदी, ठीक है। माही नदी वह नदी है जो खंबात की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी है। कौन सी? माही नदी। अगला सवाल है कि किसका संबंध सवाई माधोपुर से नहीं है। तो आपको याद रखना है गंभीरी नदी है जिसका संबंध सवाई माधोपुर से नहीं है, ठीक है। किसका संबंध? तो गंभीरी नदी का। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है। तो आपको याद रखना है वह नदी है चंबल नदी, ठीक है। चंबल नदी वह नदी है जो जो जल की आपूर्ति सर्वाधिक करती है। अगला सवाल है कि कौन सी नदी का जल अरब सागर में नहीं गिरता है। तो आपको याद रखना है वह नदी है मासी नदी, ठीक है। मासी नदी वह नदी है जिसका जल अरब सागर में नहीं गिरता है। बाकी सोम, सुकड़ी और साबरमती ये तीनों नदियों का जल है जो अरब सागर में गिरता है, लेकिन मासी नदी का जल है जो अरब सागर में नहीं गिरता है। अगला सवाल है कि कामधेनु किस नदी को कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कामधेनु कहा जाता है चंबल नदी को, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था, सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि कामधेनु किस नदी को कहा जाता है। तो आपको याद रखना है चंबल नदी को कामधेनु नदी भी कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को बनाने में बहुत समय लगा है इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।